بانده رخا حلیک تک سوا خوات لی तो यहाँ तक हम अपने पहले चेक पॉइंट तक पहुँच गए और फिर इसके बाद हमें जाना था ससर बांडा। और जैसे कि मैंने आपको पहले वलुकस के ट्रैक में बताया था जब हम वो बंजीर और वलुकस गए थे कि अगर आपको रात के लिए ऐसी जगह मिल जाए तो या तो आपकी किस्मत बड़ी अच्छी है या फिर दुआओं का सहारा है। तो बस जहाँ टॉप पे हम बैठे थे वहाँ से आपको ये मेडू दिखाया था वहाँ पे हम पहुँच गए भी और तकरीबन ज़्यादा टाइम लगेगा हमें 45 मिनट लगे। 2 बज रहे हैं अभी तो इंशाल्लाह अभी लंच का इंतज़ाम करेंगे। लंच में मैक्रोनी पकाएंगे वो खाएंगे इंशाल्लाह और फिर आज का दिन जो है वो फ्री है ऑलमोस्ट, मतलब यहाँ से अभी से रात तक जो है बिल्कुल फ्री है, मतलब कोई काम नहीं है, कहीं हमें जाना नहीं है, यहीं पर हम रहेंगे। और ब्यूटीफुल लश ग्रीन मेडोज़ हैं तो इंशाल्लाह इंजॉय करेंगे, फ़ोटोज़ वगैरह भी लेंगे, मैं भी आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे हमें ये जो पीछे ये सेटलमेंट है ये मिल गई तो इंशाल्लाह इसी में हम रात गुजारेंगे और फिर सुबह हम निकलेंगे इंशाल्लाह गुदर के। असल में ऐसा हुआ कि जब हम सुबह निकल रहे थे यहाँ के लिए तो सर ने भी कहा था और भी कोई 2-3 बंदे कह रहे थे कि हम ना दोपहर के बाद गुदर के लिए निकल लेते, लेकिन लेक की एक बात है कि लेक का जो मज़ा होता है, लेक का जो नज़ारा होता है, जो बेहतरीन नज़ारा होता है वो सुबह के वक्त दिखाई देता है। तो फिर हमने इंसिस्ट किया कि खैर हम यहाँ पे इंजॉय कर लेंगे और फिर सुबह सवेरे इंशाल्लाह हम गुदर लेक के लिए निकलेंगे और फिर वहाँ से वापसी और फिर यहाँ से इंशाल्लाह हम कलाम के लिए। और ये हमारे घर के सामने का नज़ारा था, बहुत ही बेहतरीन। जब हम यहाँ ससर बांडा पहुँचे तो दोपहर का वक्त था और हमारे साथ दोपहर से लेके डिनर तक का वक्त बिल्कुल फ्री था, हमें कहीं जाना नहीं था, कोई भी एक्टिविटी नहीं थी, बस हमने इंजॉय करना था। तो हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, फ़ोटोज़ ली, गप्पे शप्पे लड़ाए और नेचर के जो नज़ारे थे, कुदरत के जो नज़ारे थे वो अकेले में बैठ के जिस तरह से हमने इंजॉय किया ना, वो एक्सप्लेन करना बिल्कुल नामुमकिन सा है। इस नज़ारे को ही ले लीजिए, ऐसा नज़ारा कहाँ देखने को मिलता है कि आपके दाएं तरफ फलक सेर हो और बाईं तरफ मियागुल सर। खुश नसीब है हम। और वो रहा आपका कलाम और उशू फॉरेस्ट। हम सारे बॉयज़ जो है वो यहाँ पे फिट नहीं हो रहे थे, 2 बंदों की जगह वो कम पड़ रही थी और वो 2 बंदे हुए मैं और रेहान। तो फिर हम बाहर निकले और बिल्कुल उनके दरवाज़े के सामने, बिल्कुल यही दरवाज़े के सामने हमने अपने बिस्तर वगैरह लगा दिए और वहीं पे सो गए। रात को बहुत ज़्यादा ठंडी हवा थी और बारिश भी हुई थी, हमें हल्की हल्की महसूस हुई भी थी, लेकिन खैर अभी ये होता रहता है ऐसे ट्रैक्स में। तो और अपने ऊपर प्लास्टिक डाला ताकि ये बारिश से बच सके। तीसरी सुबह बहुत खूबसूरत थी पूरे ट्रैक में।
वो बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि सुबह का मज़ा इसी में है कि आप सूरज को जगाएं, सूरज आपको नहीं। नाश्ता अच्छी काफ़ी तरह से किया? अरे रे, अच्छी काफ़ी तरह से नहीं, काफ़ी अच्छी तरह से। और बैग जो है वो भी तकरीबन पैक हो गए और अभी हम निकल रहे हैं गुदर लेक की तरफ। तो तकरीबन हमें 2-3 घंटे लगेंगे लेक तक पहुंचने में। जो पीछे आप चोटी देख रहे हैं इंशाल्लाह इसको क्रॉस करेंगे। मौसम की नीयत आज भी कुछ ठीक नहीं थी। मैं आगे चलता गया और पीछे आने वालों के लिए रास्ता बनाते गया। शाबाश शाबाश जबरदस्त, ढेर खा शाबाश शाबाश कंटिन्यू। बोला बच्चा ना बोले तो जिस बांडा में हमने रात गुजारी वहाँ से हमने ट्रैक शुरू किया। अभी यहाँ पे पहुँचे वो चूटी जो आपको दिखाई और यहाँ से वो पीछे आप देख रहे हैं गुदर लेक वो दिखाई दे रहा है। तो 1 घंटा हमें लगा वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। और अभी जो ये पीछे आप देख रहे हैं ये रूट है, इंशाल्लाह इसको फॉलो करेंगे और बस सीधा लेक ही जाएंगे। यहाँ से नज़ारा बहुत ही बेहतरीन है, वहाँ से देखने में और मज़ा आएगा। कहे पहली बार साजन की आंखों में प्यार, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। इसका मत पूछो, ये बस खुशी थी लेक को देखने की। कुदरत की भी अजीब नज़ारे हैं, सोच में पड़ जाता है बंदा। हमारे इस ट्रैक में ये पोर्शन थोड़ा सा मुश्किल था, ग्लेशियर का पोर्शन था। मुश्किल भी नहीं था लेकिन मौसम वजह थी और मौसम काफ़ी ख़राब था, तो उस वजह से हमारे साथ बॉयज़ में कुछ वो थोड़े से घबरा गए थे। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, ठीक है जी। लेक के रास्ते में हम और नज़दीक है ऑलमोस्ट, लेकिन बारिश भी अचानक से थोड़ी थोड़ी जो है वो शुरू होने लगी है। तो यहाँ पे साइड पे बैठेंगे थोड़ी देर के लिए, बारिश थम जाए तो इंशाल्लाह फिर चढ़ेंगे ऊपर, लेक का नज़ारा देखेंगे। लेकिन लेक का नज़ारा इतना मेरे ख्याल में अच्छा होगा भी नहीं क्योंकि धुंध भी आ गई और बारिश देख रहे आप चारों तरफ बादल ही है। तो जब शुरू हुई तो अंदाज़ा लगा कि बारिश हो रही है, लेकिन ये तो पता चला कि बर्फ़ है अभी, मतलब जुलाई में यार, वाह।
अभी बर्फबारी हो रही है और ये जो सामने आप पहाड़ देख रहे हैं अभी इसी पे हम आए हैं और इसमें रूट था हम इस पे मतलब सारा का सारा ग्रीन था, बिल्कुल ग्रीनरी। और अभी आप देखें इतनी बर्फ़ हो रही है, कमाल का नज़ारा है यार। बस अभी दुआ है कि थम जाए क्योंकि ज़्यादा हो रही है ना, रूट भी हमारा ख़राब हो जाएगा और हमें लेक तक भी पहुँचना है। बस दुआ करें। ओ देखा, ये खुशी काले बादलों के हट जाने और आसमान के साफ होने की थी और लेक का मज़ा भी साफ आसमान में आता है। नज़ारा सामने आ गया बिल्कुल, यो है गुदर लेक। काफ़ी देर तक एंजॉय करने के बाद फिर वापसी कर ली। जब हम लेक तक पहुंचे तो धूप आई थी, अभी लेक से वापसी करने लगे तो फिर से बर्फ़ शुरू हुई। बस इंशाल्लाह भी जाएंगे ऐसा ऐसा, रास्ता ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है, लेकिन बस बर्फ़ रुक जाए। लेकिन ऐसे थोड़ी रुकने का तो वो नाम नहीं रह रही थी। जैसे आपको बताया कि इस पोर्शन में बॉयज़ में से कुछ घबरा गए थे, लेकिन जब हम वापसी करने लगे बर्फ़बारी थम गई तो ऐसे ही मैंने सोचा कि स्लाइडिंग कर लेते हैं तो शायद उससे जो घबरा गए थे उनका मूड थोड़ा सा सेट हो जाएगा। तो सच में स्लाइडिंग ने काम कर दिया और सबका मूड बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो गया। रहीम, मेरा नाम अजरुद्दीन है, यू कल्चर टूरिज्म से बिलोंग करता हूँ। हम इधर है अभी दिसान वैली में, दिसान वैली की बॉर्डर पे है और बैक साइड पे ये गुदर लेक है और इसके साथ गुदर पीक भी है। सामने जो है मेरे बिल्कुल अपोजिट साइड पे, यहाँ पे मियाँ गुलसर, फलक शेर और बठिन, इसका भी ज़बरदस्त व्यू है। इस वक्त जो है शदीद बर्फबारी जो है जारी है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का वेदर है और लोग जो है काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। ये जो धुंध में आपको छोटी सी दिखाई दे रही थी ना, हम वहाँ पे चढ़े थे जब वो बर्फबारी शुरू हुई थी। अभी मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो मुझे भी घबराहट सी होने लगी है कि सच में हम वहाँ पे चढ़े थे। असल में ये ऐसा होता है ना कि जब हम कहीं गिर जाते हैं तो जब चोट लगती है, जब तक कि हमने खून नहीं देखा होता तो हम कहते हैं बस ठीक है यार, कुछ नहीं है। हालांकि बहुत ज़्यादा लगी होती है लेकिन हम कह रहे हैं बस हो जाएगा, कुछ नहीं है। लेकिन जब खून देखने लगते हैं ना तो फिर हल्ला शुरू होता है कि अच्छा ये है। तो उसकी हालत और इसकी हालत मतलब सेम ही थी, अभी देखा तो अभी घबराहट होने लगी। और स्लाइडिंग के लिए आपके भाई को बहाना चाहिए, सच में मुझे बहुत पसंद है। उर्दू में मुझे इसका नाम पता नहीं लेकिन पश्तो में हम इसे मतर कहते हैं। तो टॉप से हम वहाँ पे आ गए जहाँ पे हमने नाइट स्टे किया था
इस जगह का मुझे नाम पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई दो तीन बंदे अभी हमें मिले जो यहाँ के इस बांडा की जो है वो रिहाइश पजीर है, तो उन्होंने बताया कि इसका नाम सासर बांडा है। अभी पहुँचे हैं तो यहाँ पे अभी लंच का प्रोग्राम करेंगे, लंच करेंगे और इसके बाद इंशाल्लाह यहाँ से जो है एक छोटी सी सड़क निकलती है, कच्ची सी है, कलाम के लिए सीधा। तो पहले कलाम जाएंगे, फिर कलाम से इंशाल्लाह हाईस में मिंगोरा और फिर मिंगोरा से बस घर। ऐसी जगहों से वापसी बड़ी मुश्किल होती है, चलने में नहीं, दिल नहीं मानता वापस जाने को, लेकिन खैर जाना तो वापस है।